जिला हमीरपुर के थाना क्षेत्र नदौन के तहत पड़ते जोल सप्पर गांव के पास 15 अक्टूबर को हुई अधेड़ महिला की मौत के मामले में भाई व अन्य परिजन उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा से मिले। मायका पक्ष ने उपायुक्त को इस मामले की छानबीन करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। 15 अक्टूबर को कैलाशो देवी पत्नी गरीबदास निवासी गांव जोल सप्पर की मौत हो गई थी। महिला को उपचार के लिए हमीरपुर अस्पताल लेकर आए तो उसे यहां से टांडा रेफर कर दिया गया। टांडा में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने मौत का कारण जहर का सेवन बताया, लेकिन मृतिका के भाई राजेंद्र कुमार पुत्र नतनाम निवासी वार्ड नंबर 5 हमीरपुर ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर कहा कि उनकी बहन पूरब में बिल्कुल स्वस्थ थी। 13 अक्टूबर को उनके साथ बहू और अन्य परिवार सदस्यों ने मारपीट की थी। उन्हें शक है कि उनकी बहन को जहर दिया गया है। राजेंद्र ने उपायुक्त से उनकी बहन की मौत के मामले की जांच करने की मांग की है। उसने कहा कि वह नदौन थाने में भी गए थे, जहां उनकी FIR दर्ज नहीं की गई। उधर उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मेरी बहन को जो है ससुराल में ना जहर दे के मार दिए, हमें कोई इंटीमेशन नहीं दी गई। 2-2.5 घंटे तक घर में पड़ी रही। जब बयान के काबिल नहीं रही तो हॉस्पिटल में पहुँचाया, तो हॉस्पिटल में बड़ों ने किसी ने हमें बताया ऐसे ऐसे आपकी बहन ने जहर खा लिया और हॉस्पिटल लेकर आए उसको। डॉक्टर ने डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने बोला भाई कि आप बड़े लेट लेके आए इनको, अब तो ये बोलने की काबल नहीं रही। तो पहले ले आते 2-1.5 घंटे पहले ले आते तो बच चुकी थी। हाँ जी, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी इंक्वायरी कर की जाए। एक दिन पहले उनकी बहू ने उनको मारा है, जो छोटी बहू है ना उसने मारा है 13 तारीख को, और 14 तारीख को जो है 14 तारीख को हमारे घर में आए थे मायके में अमीरपुर में, उसने हमारे साथ मारपीट बताई, सब कुछ बताया, कोई ऐसे ऐसे हमारे साथ मारपीट की है। और 15 को उसमें पता नहीं क्या बात हुई, उस टाइम उसने जहर खाया तो 12 बजे खाया तो 4:30-4 बजे हॉस्पिटल लेकर गए। इसके लिए FIR हमारी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटीमेशन हमने दी इनको, वो पोस्टमार्टम कराने नहीं करते थे। टांडा लेकर जा रहे हैं, रास्ते में डेथ हो गई, वो घर ले गए डेड बॉडी। फिर हमने पुलिस वालों को बोल के डेड बॉडी पोस्टमार्टम रूम में रखा के पोस्टमार्टम कराया उसका। वो अब पुलिस वाले बोल रहे हैं, हमीरपुर वाले बोल रहे हैं कि नदौन में जाके इसकी FIR करो। अच्छा, नदौन में गए तो उन्होंने बोला भैया हम FIR नहीं करेंगे। जो आपकी बहन मर गई है वो पहले रिपोर्ट करती तो हम कुछ कर सकते थे, कॉपी SP के को कर दिए, SP के पास जाओ और उनको बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं करते तो फिर मेरे पास। मैं आई सी एतवार, शादी सी ना, शादी नू आई तो वो रोंदे रोंदे बहुत रोए, रो के गया। फिर मैनू ना छोटी मोटी नू जड़ी है उन्हें मारिया, सिर च भी मारिया, बांह च भी मारिया। फिर वो अपने मैं क्या असं चले हुए साढ़े नाल ही चल पो, और गए नहीं साढ़े नाल। जदों मैं उन्होंने घर गए असी उत्थे भी लड़ाई हुई, रात में लड़ाई हुई। फिर असं चले गए हुशियारपुर, हुशियारपुर तो जदों फिर प्रोग्राम से मैं आई है तो कित उन्होंने फोन किया फिर इंज करके जल्दी आओ कि कुछ खा लिया इन्होंने, जो खा लिया जो एड्डी छेती जो खा लिया तो उन्होंने छेती हस्पताल क्यों नहीं पहुँचाया। फिर चार रात रात जदों गए है जो डेड बॉडी लेके गए तब भी वो सारे मारना पे सानू, गया भी ऑफिसर है पुलिस वाले उन्होंने गल करो, फिर नहीं होंगे डिसीजन तो इतने फिर मेरे को आओ। बस पूरा ये कि जब हम वहाँ पहुँचे उनके घर पे गेट के पास, हम बस से उतरे, थोड़ा हमें प्यार दिया, हमें दिखाई दिए कि उसको खा के ला रहे हैं। तो जैसे हम दौड़ के गई मैं और मेरी देवरानी, तो जैसे उसको गाड़ी में डाला तो हमने कहा इनसे कुछ पूछते बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो कुछ हमसे बोलना चाहती थी तब तक उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और चल पाई। फिर हम वहाँ पर थोड़ी देर बाद और हम फिर बस में बैठ के और फिर हम यहाँ आए। तब तक उसकी हालत थी बड़ी सीरियस थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही, बोलना